आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। रायगढ़ शहर के ईडन गार्डन मैरिज पार्क देर रात में शादी समारोह में परमिशन से अधिक मेहमान बुलाकर शादी करने वाले परिवार पर रायगढ़ SDM के निर्देश पर तहसीलदार ने कार्यवाही किया है। दरअसल शहर के ईडन गार्डन मैरिज पार्क में भाजपा के पूर्व नगर निगम के पार्षद डिग्रीलाल साहू अपने बेटे की शादी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें 50 की परमिशन लेकर लगभग 200 से अधिक लोगों को आयोजन में बुलाया गया था, जिस पर नायब तहसीलदार विक्रांत राठौर और चक्रधर नगर TI की संयुक्त कार्यवाही करते हुए 500 रुपये प्रति व्यक्ति के अनुसार से 150 लोगों पर 75,000 का जुर्माना लिया गया और ईडन गार्डन मैरिज पार्क को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया है। तहसीलदार विक्रांत राठौर ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा विवाह समारोह के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुसार 50 से अधिक लोगों को विवाह समारोह में शामिल नहीं होना है। विवाह समारोह के लिए लिए गए अनुमति का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें 200 से अधिक लोगों का विवाह समारोह में शामिल होना पाया गया है। ऐसे में उन पर कार्यवाही की गई है और मैरिज गार्डन को आगामी आदेश तक के लिए सील किया गया है। तत्काल में फाइन लेंगे अपन और मैरिज हाल फिर बाकी आप लोग सारी चीज़ें कोई दिक्कत ठीक है। तो 150 में 500 का गुणा कीजिए आप। पेपर ले आप कहाँ दे पेपर KSN 24 न्यूज़ के लिए रायगढ़ से बंशु निराला की रिपोर्ट।